हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। माय नेम इज लव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन जेंडर की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जेंडर होता क्या है। डियर फ्रेंड्स, जेंडर इज द सेक्सुअल क्लासिफिकेशन इन ग्रामर, यानी व्याकरण में लैंगिक वर्गीकरण को जेंडर कहा जाता है। दोस्तों, जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जीनस वर्ड से हुई है, जबकि इसका अर्थ काइंड या सॉर्ट होता है, जिसको आप हिंदी में जाति, वंश या लिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर हम जेंडर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जेंडर को हिंदी में दो भागों में बांटा जाता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि जेंडर को संस्कृत में तीन भागों में बांटा जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जेंडर को चार भागों में बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में जेंडर को चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। यानी मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। चलिए दोस्तों, समझते हैं वन बाय वन करके। ओके फ्रेंड्स, पहला मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? नाउन्स विच डिनोट्स अ मेल सेक्स, यानी ऐसे नाउन्स जिनसे नर या पुरुष जाति का बोध होता है, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, एक्टर, हीरो, टाइगर, मैन, लॉयन एटसेट्रा। डियर फ्रेंड्स, जो भी ये भी वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी पुरुष या नर जाति का बोध करा रहे हैं, तो इनको हम मेल मस्कुलाइन जेंडर बोलेंगे या फिर मेल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चले सेकेंड वन इज फेमिनाइन जेंडर। तो नाउन्स विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी ऐसे शब्द जिनसे स्त्री अथवा मादा जाति का बोध होता है, फीमेल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, एक्ट्रेस, हीरोइन, लॉयनेस, टाइग्रेस, वुमन एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, आप समझते हैं कॉमन जेंडर। डियर फ्रेंड्स, कॉमन जेंडर क्या होता है? नाउन विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स, यानी ऐसे वर्ड्स जो महिला और पुरुष, यानी नर और मादा दोनों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इनको कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे चाइल्ड, सर्वेंट, फ्रेंड, थीफ, बेबी, नेवर एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, चले लास्ट वाला समझते हैं न्यूट्रल जेंडर। दोस्तों, न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है? नाउन विच नाइदर मेल और फीमेल, यानी जो ना तो नर है ना मादा है, दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नाउन्स जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक, पेन, टेबल, चेयर, रूम, ट्री, पेपर एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, हम नाउन का डेफिनेशन, जेंडर का डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में जेंडर से संबंधित कितने टाइप से पूछा जाता है। दोस्तों, एग्जाम में जेंडर से संबंधित तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, यानी आपको जेंडर को पहचानना होता है। एग्जाम में कोई एक वर्ड दिया गया होता है, उससे आपको एग्जाम में पहचानना होता है कि ये जो दिया हुआ वर्ड है वो कौन सा जेंडर है, मेल है, फीमेल है या फिर कॉमन है, न्यूट्रल है, तो वो आपको पहचानना होता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। ओके फ्रेंड्स, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरचेंज ऑफ जेंडर पूछा जाता है, यानी फेमिनाइन से मैस्कुलाइन बनाना और मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना, यहां से दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगाना और पजेसिव केस लगाना। कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन तो ज्यों के त्यों दिए गए होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि राम पुरुष है, सीता स्त्री है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है कि आप वहां समझ नहीं पाते कि जो दिया गया नाउन है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्त्री जो सब्जेक्ट लगाओगे, वो प्रोनाउन जो लगाओगे वो स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग रहेगा या फिर कॉमन या न्यूट्रल जेंडर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहां से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो दो टाइप जो क्वेश्चन है, नंबर वन एंड टू, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरचेंजिंग ऑफ जेंडर, ये दोनों सेम होते हैं। अगर आपको एक आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, तो इसी को पहले शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन मैस्कुलाइन्स।
आपको सबसे पहले क्या समझना है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना। दोस्तों मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के तीन तरीके होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, मतलब आप किसी नाउन की जगह पर फीमेल नाउन, मैस्कुलाइन जेंडर की नाउन की जगह पर कोई दूसरा शब्द रख दीजिए तो वहां पर आप इसको फीमेल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बॉय का गर्ल, यानी आपने बॉय अलग शब्द है और गर्ल आपने इसका फेमिनाइन बना दिया, यानी दूसरा शब्द पुट करके। सेकेंड टाइप जो होता है वो बाय यूजिंग अ सिलेबल, यानी शब्द के अंत में ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स या फिर ए जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट जो होता है वो बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ फेमिनाइन वर्ड फॉर अ मस्कुलाइन इन कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड नाउंस में पहले या दूसरे शब्द को परिवर्तित करके आप फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ तो इसमें जो मुख्य शब्द है उसको आप चेंज करके, यानी या तो पहला शब्द चेंज करेंगे या दूसरा या फिर लास्ट वाला, तो इसमें मदर इन लॉ कर देंगे आप। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से। चलिए दोस्तों पहला वाला शुरू करते हैं बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड। डिफरेंट वर्ड कैसे? बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, तो यहां पर समझना है आपको। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड, एल ओ आई डी, लॉर्ड मीन्स होता है मालिक। अब इसका आपको फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो क्या होता है? लेडी। फादर, फादर का क्या होता है? मदर। नेफ्यू, भतीजा, नीज, भतीजी। सर, श्रीमान क्या हो जाएगा? मैडम। ओके, कुक सॉरी कॉक, कॉक का क्या हो जाएगा? हैन। स्टैग, स्टैग का हाइंड। विडोवर, विडो। व्यू क्या हो जाएगा? वैले, यस वैले। ओके, बैचलर, तो बैचलर का क्या हो जाएगा? मेड, स्पिंस्टर या फिर बैचलरेट। इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, बाकी का मैं अपने कंप्यूटर वाली मैडम को बोल दूंगा, वो यहां पर एक जो जेंडर शब्द से संबंधित जो भी पोस्ट है जिनमें हम शब्द को चेंज करके जेंडर उनका फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं वो आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप शुरू करते हैं सेकंड वाला, बाय एडिंग अ सिलेबल, यानी शब्द के अंत में ई डबल एस आई एन ई टी आर आई एक्स या फिर ए जोड़कर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉयन, पहला वर्ड क्या है? लॉयन, तो लॉयन का अब आपको फेमिनाइन बनाना है तो क्या करेंगे? ई डबल एस जोड़ देंगे, लॉयनेस। पोइट, पोइटेस। होस्ट, होस्टेस। पैट्रॉन, पैट्रॉन का मतलब होता है संरक्षक, तो इसका क्या हो जाएगा? पैट्रोनेस, संरक्षिका। ये वर्ड्स ऐसे थे इनमें आपने ई डबल एस जोड़ करके फेमिनाइन बनाया। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें आई एन ई जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। वायसराय क्या हो जाएगा? वायसरायन। ठीक है, कुछ वर्ड्स टी आर आई एक्स जोड़ के भी बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट्रिक्स। टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, और अगला कुछ शब्दों में ए जोड़कर भी बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिग्नोर, सिग्नोर क्या हो जाएगा? सिग्नोरा यानी महोदय और महोदया। जॉन क्या हो जाएगा? जॉना। सुल्तान, सुल्ताना। ठीक है, इसी तरह से बाकी के शब्द भी यहां पर स्क्रीन पर मैं बोल दूंगा लग जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनका वर्ड मीनिंग और उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि वो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं तो तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ फेमिनाइन वर्ड फॉर अ मस्कुलाइन इन कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड नाउंस में पहले दूसरे या फिर अंतिम शब्द को चेंज करके आप फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल मास्टर, तो क्या हो जाएगा? स्कूल मिस्ट्रेस। वॉशर मैन, वॉशर मैन का क्या हो जाएगा? वॉशर वुमेन, सॉरी। स्टेप सन, तो स्टेप डॉटर। फादर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। बक रैबिट, तो क्या हो जाएगा? डो रैबिट।
ओके फ्रेंड्स, बाकी के शब्दों का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट कंप्यूटर वाली मैडम लगा देंगी, आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद में आगे आने वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। इसमें मैंने सिर्फ बेसिक को डिस्कस किया है, अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जेंडर्स पे बात करने वाले हैं, जेंडर से संबंधित इंपॉर्टेंट रूल्स पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद किया है, तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी चीजें लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।